ब्रॉट टू यू बाय एजिलस डायग्नोस्टिक्स। टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। जिसके घर शीशे के होते हैं उसको दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। इस कहावत का मतलब है कि अगर आप खुद कमजोर स्थिति में हैं या आपकी अपनी गलतियां हैं तो आपको दूसरों पर बेवजह आरोप लगाने से बचना चाहिए। कुछ ऐसा ही आजकल हो रहा कनाडा और भारत के बीच। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार ने भारत के साथ तनाव को कम करने के बजाय उसे और बढ़ाने की कोशिश शुरू कर दी है। कनाडा की विदेश मंत्री मेलानी जोली ने हाल ही में भारतीय रजनीकों को लेकर बड़ा बयान दिया है और वो न केवल अप्रत्याशित है बल्कि भारत की तुलना रूस के साथ करते हुए भारतीय राजनयिकों को धमकी भी दी जा रही है। कनाडा की विदेश मंत्री ने हाल ही में दिए अपने एक बयान में कहा कि भारतीय राजनयिक स्पष्ट रूप से नोटिस पर हैं और अगर वे कनाडा के लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालते हैं या वियना संधि का उल्लंघन करते हैं तो उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेलानी जोली ने भारत की तुलना रूस से की जो एक अलग तरह की कूटनीतिक चाल है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से रूस ने जर्मनी और ब्रिटेन में अपने विरोधियों पर हमले किए उसी तरह कनाडा के राष्ट्रीय पुलिस बल ने भारतीय राजनयिकों को भी कनाडा में हत्याओं धमकियों और डराने धमकाने से जोड़ा है। ये तुलना न केवल भारत के लिए अपमानजनक है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक गलत मिसाल कायम करने की कोशिश की जा रही है। भारत और रूस की तुलना करना किसी भी सूरत में तार्किक नहीं है। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय नियमों और संधियों का सम्मान किया है जबकि रूस का ट्रैक रिकॉर्ड पूरी तरह से दुनिया के सामने है। दरअसल कनाडा में रह रहे खालिस्तानी समर्थकों ने लंबे समय से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दिया है। हरदीप सिंह निज्जर भी एक ऐसा ही खालिस्तानी आतंकवादी था जिसे भारत ने आतंकवादी घोषित कर रखा था। 2007 में उसे किसी तरह कनाडा की नागरिकता मिल गई जो आज कनाडा की ही सरकार के लिए सिरदर्द बन चुकी है। कनाडा के विपक्षी नेता मैक्सिम बर्नियर का मानना है कि जस्टिन ट्रूडो इस मामले को लेकर अपने अन्य विवादों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। बर्नियर ने कहा कि जस्टिन की सरकार ने निज्जर जैसे आतंकी को 2007 में नागरिकता दी जो कि एक बड़ी गलती थी, लेकिन अब जब इस मुद्दे पर ध्यान केंद्रित हो गया है तो जस्टिन को इसे अपने राजनयिक लाभ के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। बर्नियर ने यह भी कह दिया है कि अगर आरोप सही है तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन अगर कोई ठोस सबूत नहीं है तो ये आरोप लगाना बेहद गलत है। कनाडा ने अब तक भारतीय उच्चायुक्त समेत 6 राजनयिकों को देश से निकाला है। हालांकि भारत ने भी अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है जिससे ये स्पष्ट हो गया है कि भारत इस मुद्दे पर कोई ढिलाई नहीं बरतेगा। भारत ने पहले ही इस मामले को लेकर कड़ा रुख अपनाया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने साफ कर दिया कि भारत किसी भी तरह की गलत गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर भारतीय राजनयिकों को अनुचित तरीके से निशाना बनाया गया तो इसका जवाब कूटनीतिक रूप से दिया जाएगा। भारत ने कनाडा को ये याद दिलाया कि जिस तरह से कनाडा ने निज्जर जैसे आतंकियों को अपने देश में पनाह दी है वो खुद उसकी सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकता है। खैर, झूठ के पांव नहीं होते हैं और जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने जिस तरह से भारतीय राजनयिकों को निशाना बनाकर झूठे आरोप लगाए हैं वो अधिक समय तक टिकने वाला नहीं है। आपका क्या कुछ कहना है? कनाडा की विदेश मंत्री का बयान जिस तरह से आया है भारत को लेकर, उसको लेकर कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।